हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी गाइड्स। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला केक, जिस पर हमने राइस पेपर सेल्स बनाकर डेकोरेशन की है। ये बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। मैं आज आपको इसे किस तरीके से बनाया जाता है, इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम ये बहुत ही सुंदर आइसिंग टेक्निक भी सीखेंगे। बिना राइस पेपर सेल्स के भी अगर आप ये केक बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको राइस पेपर दिखाती हूँ। ये राइस पेपर का पैक मैंने अमेज़न से मंगवाया है। ये 400 ग्राम्स का राइस पेपर पैक है। इसमें काफी सारी शीट्स हैं। ये कुछ ऐसी दिखती है। इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहे तो इसे अमेज़न से मंगवा सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा इस तरीके का सिलिकॉन मैट। ये भी अमेज़न पे आसानी से मिल जाता है। इसे मैंने एक बोर्ड के ऊपर रख लिया है और इसमें हम इस तरीके से प्लीट्स डालेंगे और क्लिप से इसे सिक्योर कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर हम अपना राइस पेपर सेल सेट कर सकें और राइस पेपर सेल इसकी शेप ले ले, प्लीट्स का ये सुंदर डिजाइन राइस पेपर सेल्स पर आ जाए। दो तीन जगह से मैंने इसे इस तरीके से क्लिप से सिक्योर कर दिया है। राइस पेपर सेल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में पानी लेंगे। अब आप इस पानी में फूड कलर डाल दीजिए। मैं यहाँ येलो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम राइस पेपर को लेंगे और इसे हाफ कट कर लेंगे। मैं एक बड़ा और दो छोटे सेल्स बना रही हूँ, तो मैं एक हाफ लेके इसका भी हाफ कर लूंगी। अब हमें इसे इस कलर्ड वाटर में डिप करना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। कुछ सेकंड्स में ही आप देखेंगे कि ये राइस पेपर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। बीच में इसे चेक कर लीजिए। अगर ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा है तो इसे पानी में और रख दीजिए। कुछ सेकंड्स में ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसे अपने मन चाहे आकार में मोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो सिलिकॉन मैट प्रिपेयर किया था, अब हम इसे इस पे सूखने के लिए रखेंगे। इसे बड़े ध्यान से प्लीट्स के अंदर दबा के रखिए ताकि ये सिलिकॉन शीट पे बने डिजाइन का रूप ले ले। अब बाकी के भी राइस पेपर्स को हम इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप सेम कलर की कुछ बूंदे ऊपर से डाल दें तो उससे थोड़ा मार्बल इफेक्ट आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। कलर के ड्रॉप्स राइस पेपर पे डालने के बाद राइस पेपर को तुरंत निकाल के ड्राई होने के लिए रख दें। चलिए मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ। अगर आप इसको डबल शेड का बनाना चाहें तो इसी पे ऊपर से कोई और कलर डाल दें और तुरंत इसे निकाल कर ड्राई होने के लिए रख दें। ये देखिए, ये सेम मेथड फॉलो करके आप कोई से भी कलर में इन राइस पेपर सेल्स को बना सकते हैं। साइज, शेप, डिजाइन और कलर आप अपने केक के डिजाइन के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ पिंक कलर के भी इसी तरीके से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे बिना कलर के भी बना सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट व्हाइट बनेंगे। अब इसे हम ड्राई करेंगे रूम टेम्परेचर पे 6 से 8 घंटे के लिए, या जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए। अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद ये इस तरीके से अपने आप ही निकल आएंगे और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखा आपने, इतनी मुश्किल दिखने वाली टेक्निक को कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए एक और सिंपल सी टेक्निक देखते हैं। A4 साइज की व्हाइट शीट ली है मैंने, उसके साथ बेकिंग पेपर का इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी साइज का बेकिंग पेपर हमने काट लिया है। इसे हम एक फैन की तरह ऐसे मोड़ के शेप दे देंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके एक एंड को हम पिन से सिक्योर कर देंगे। अब राइस पेपर लेके
इसे अपने मनचाहे आकार में काट लीजिए। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। अब मैंने पानी में कलर नहीं डाला है, इसमें राइस पेपर को डिप कर दिया है। अब इसे इस फैन पर हम सूखने के लिए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो हमने फैन बनाया है इसकी जो प्लीट्स हैं वो सारी प्लीट्स इस पर आ जाएं। अब रेड फूड कलर और एक पेंट ब्रश की हेल्प से मैं इस पर ऊपर से कलर लगा रही हूँ। अब पानी में मैंने रेड कलर डाला है और इसमें मैं बाकी के बचे हुए अपने राइस पेपर डाल रही हूँ। इन्हें भी इस फैन पर हम रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह सूख ना जाए। तो ये वाले सेल्स भी हमारे बनके तैयार हैं। अब गोल्डन डस्ट ले लीजिए और इसमें इवेपोरेक्स की कुछ बूंदे मिक्स कर दीजिए। ब्रश की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे अपने सारे सेल्स के कॉर्नर्स पर अप्लाई कर देंगे। ये बीच में जो उभरी हुई लाइंस हैं इस पर भी मैं ये लगा रही हूँ। आप अपने मनपसंद तरीके से इन्हें पेंट कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही सुंदर राइस पेपर सेल्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें केक पर प्लेस करेंगे। इसके लिए मैंने एक केक को पहले से ही आइस करके रख दिया है। मेरे चैनल पे स्क्रैच से केक बेक करने की और उसे फ्रॉस्ट करने की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम ये राइस पेपर सेल्स को केक में लगा देंगे। मैं इस केक पे पिंक और येलो, ये दो कलर के सेल्स लगा रही हूँ, एक पिंक एक येलो। इस तरीके से मैंने इस पे चार सेल्स लगा दिए हैं। डिजाइनिंग के लिए स्मॉल साइज का ओपन स्टार नोजल लिया है मैंने। पाइपिंग बैग में पिंक कलर की व्हिपिंग क्रीम भर के इस पर हमने छोटे छोटे रोजेट्स पाइप कर दिए हैं और ग्रीन कलर की व्हिपिंग क्रीम से हमने इस पे छोटी छोटी लीव्स बना दी हैं। साइड में भी हम यही सेम डिजाइनिंग करेंगे। बर्थडेज और एनिवर्सरीज पे इस तरीके के डिजाइनर केक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब तो आपको इसको बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स भी पता चल गए हैं, तो आप इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा। डिजाइन कंप्लीट हो जाने के बाद हम इस पे कुछ व्हाइट पर्ल्स डाल देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इससे केक और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो ये देखिए, हमारा केक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।